नमस्ते दोस्तों, मैं राज भाकर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है द बटरफ्लाई योग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुछ आसना जो है कि बहुत दिनों से जो फॉलोअर्स थे वो बोल रहे थे कि आप जो है कि जो प्रॉब्लम्स होती है मेल्स के लिए उसके ऊपर कुछ वीडियो बना लीजिए, उसके ऊपर जो कि मेल्स में प्रॉब्लम होती है कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसका इनलार्जमेंट, क्योंकि एक उम्र के बाद जो है उस जो हमारा अंडकोश जो होते हैं उसकी ग्रोथ हो जाती है और उसी कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है हमें आते हैं, जो पुरुषों में ये सारे जो प्रॉब्लम्स है हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर इनलार्जमेंट हो जाए प्रोस्टेट ग्लैंड का तो उसमें प्रॉब्लम, जैसे अगर उनकी वृद्धि हो जाए तो जो यूरिनेशन में जो है प्रॉब्लम करता है, जब हम पेशाब करते हैं तो उस दौरान हमें उसका प्रॉब्लम होता है, या फिर पेशाब जो है पूरी तरीके से खाली नहीं होती है या पेशाब अच्छे से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, और दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे सब्सक्राइबर्स है वो पूछ रहे थे कि जो मेल्स में इनफर्टिलिटी के लिए जो कुछ आसनाज है वो बता दीजिए, क्योंकि अभी जो लाइफ स्टाइल है, अभी का जो खान पान है, क्योंकि ये सारी चीज़ों का असर हमारे लाइफ में होता है, हमारे माइंड पे होता है, और माइंड जो कि सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, स्ट्रेस डिप्रेशन ये सारी चीज़ों के कारण हमारी जो बॉडी की जो काम करने की शक्ति है वो कम हो जाती है, या फिर आप मानो कि हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, और इसी कारण जो है कि हमारे हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, और इसी कारण वीर्य का निर्माण होना, वीर्य अच्छे से या फिर जो क्वालिटी वाला वीर्य होता है वो निर्माण ना होना, तो इसके कारण जो है इनफर्टिलिटी का इशू आ जाता है। और इसमें जो मैरिड होते हैं उनके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स एक सरदर्द बन जाता है, क्योंकि इसी की वजह से, क्योंकि आप देखते हो कि सेक्स और मैरिड लाइफ इसमें जो है रिलेशन अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपकी सेक्स लाइफ अच्छी हो तो आपकी मैरिड लाइफ जो है अच्छी होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी लाइफ बेटर कर सकते हो, या फिर अच्छे से अच्छी लाइफ आप कैसे कर सकते हो, एक हैप्पी मैरिड लाइफ किस तरीके से आप जी सकते हो। तो आइए देखते हैं कुछ आसना जो कि आपकी मैरिड लाइफ के लिए बेटर बनाएंगे। तो सबसे पहले जो पहला आसन आता है दोस्तों, वो है पश्चिम उत्तानासना। मतलब हमें क्या करना होता है इस आसन में कि हमें लेग्स को जो है सीधा करके बैठ जाना होता है। लेग्स को सीधा कर दिया हमने, टोज को अपनी तरफ करना है, यहीं से हमें क्या करना है, हाथों को स्ट्रेच करना है आकाश की तरफ, एंड देन एक्सेल करते हुए हमें नीचे जाना है। अगर आप कंफर्टेबल है तो अपने पैरों को पकड़ना है या फिर एंकल्स को पकड़ना है और धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करनी है इस तरीके से। यहाँ पे कुछ देर रुकना है, जैसे आप 10 सेकंड्स के लिए रुकते हैं, 15 सेकंड्स के लिए रुक जाते हैं, फिर सांस भरनी है, धीरे से वापस आना है, रिलैक्स करना है। इस आसन में देख सकते हो कि किस तरीके से आपके लोअर बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ जाता है, और इसी कारण जो है जो भी पुरुषों की प्रॉब्लम्स होती है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, जो दूसरा आसन है इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि वो है भद्रासन, जिसे हम बटरफ्लाई भी कहते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है कि दोनों सोल्स को इस तरीके से ज्वाइन करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीज को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस करने की हमें कोशिश करनी होती है। यहाँ पे मैं साइड से दिखा देता हूँ एक बार आपको, नीज को प्रेस करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहीं से हम आगे फॉरवर्ड बेंड करना है, यहाँ से नीचे जाना है जितना हम जा सके, लेकिन बैक को जो है इस तरीके से राउंड नहीं करना है। अगर आपकी बैक इस तरीके से राउंड हो रही है तो अपने पैरों को थोड़ा सा आगे करना है और अपने चेस्ट अपने स्पाइन को सीधा रखना है, ताकि आप अच्छे से जो है इफेक्ट जो है अपने लोअर बॉडी पे आएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा लोअर बॉडी में, और इसका फायदा आपके प्रॉब्लम्स में होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें भद्रासन करना है, या फिर जिसे हम बटरफ्लाई पोज कहते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो कि नीज जो है सोल्स को थोड़ा सा दूर करना है और धीरे धीरे हमें नीचे जाना है।
इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमने ये आसन देखे। तो तीसरा जो आसन है इसमें बैठ के ही करने वाला है, जिसमें हमें पहले तो लेग्स को सीधा रखना है, देन दूसरा पैर एक पैर फोल्ड करना है, अपनी हील को जो है अपनी जंघा के पास में रखना है, क्लोज रखना है जितना आप रख सकते हो। देन यहीं से क्या करना है हमें, जैसे हमने पश्चिमोत्तानासन किया था सबसे पहला वाला आसन, उसी तरीके से हमें फॉरवर्ड बेंड होना है। लेकिन इसमें भी हमें ध्यान देना है कि हमारी बैक जो है राउंड ना हो, चेस्ट अप एंड चिन फॉरवर्ड। यहीं से हमें धीरे धीरे से नीचे जाना है, सांस भरनी है, धीरे से वापस आना है और आराम करना है। हर एक आसन में जो है आप एक पर्टिकुलर टाइम रखिए, जब कब तक आप रुक सकते हो, जैसे 10 सेकंड 15 सेकंड, इस हिसाब से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अब सेम दूसरी तरीके दूसरे पैर से भी हमें सेम ये आसन करना है। ये ले लिया, हाथों को नीचे, पैरों को रिलीज किया एंड रिलैक्स किया। तो इस प्रकार से जो है हम ये आसन कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन आता है जिसे हम नावासन कहते हैं या फिर बोर्ड पोज कहते हैं, उसके लिए सबसे पहले वही लेग स्ट्रेट, धीरे से अपने पाम्स को पीछे रखना है। एक आसान तरीका आपको बता रहा हूँ इसका, नौकासन का, बोर्ड पोज का, इस तरीके से उठाना है। अगर आप कंफर्टेबल है, आपको लग रहा है कि आप हाथों के बिना भी ये आसन कर सकते हो, मतलब हाथ नीचे रखे बिना भी, तो इस तरीके से आपको करना है। जितना आप पैर को नीचे रखोगे उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा, उतना अच्छा रहेगा। इस प्रकार से चेस्ट को अप रखना है, हमारे टोज की तरफ हमें देखना है, धीरे से रिलीज करना है और आराम करना है। तो इस प्रकार से जो है हमने बोर्ड पोज या फिर नावासन जो है वो देखा। तो दोस्तों इसके बाद जो आसन है वो है वक्रासन। वक्रासन या फिर हम इसे ट्विस्टिंग पोज भी कहते हैं। उसमें क्या करना होता है हमें कि यही आसन जो है लेग स्ट्रेट करके फर्स्ट, देन हमें राइट लेग को फोल्ड करना होता है। आप देख सकते हो मेरा राइट एंकल लेफ्ट नी एक लाइन में है, सांस भरनी है। यहाँ पे आप नी को हक कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल है तो इस तरीके से एल्बो को टक करके जो है अपने पाम को पीछे रख के इस तरीके से ये जो आसन कर सकते हो, और हमारे शोल्डर लाइन में हमें देखना होता है कुछ सेकंड के लिए, जैसे आप तय करते हो उस हिसाब से हमें रहना है। अब धीरे से वापस आना है, लेग को छोड़ना है और सेम वे हमें दूसरी तरफ करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है एल्बो को टक नहीं कर सकते हो तो आपको जो है नी को होल्ड करना है इस प्रकार से, देन ट्विस्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब धीरे से नीचे, अदर साइड सेम, दूसरे साइड से भी हमें सेम करना है। इस प्रकार से हक किया या फिर टक किया, हमारा लेफ्ट पाम पीछे, इनहेल एंड एक्सहेल। तो इस प्रकार से जो है हम ये आसन कर सकते हैं। इसमें जो दूसरा आसन है नेक्स्ट वाला, जिसमें हमें वज्रासन में बैठना होता है इस प्रकार से, और आप क्या करेंगे उसमें कि हमें मुट्ठी बनानी है इसमें इस तरीके से, और थंब जो है अंदर की तरफ रहेगा, चारों उंगलियां ऊपर अंगूठे के ऊपर इस प्रकार से, और इस ये हमारा जो थंब है अंगूठा है इस प्रकार से अंदर की तरफ रहेगा, हमारे नेवल की तरफ, जहाँ पे हमारे नेवल है वहाँ पे हमें उसके साइड में हमारे जो अंगूठे इस प्रकार से साइड से वो हमें यहाँ पे रखना है, और यहीं से हमें क्या करना है सांस लेनी है। सांस छोड़ते हुए हमें आगे फोल्ड होना है जितना आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दिए हाथ, और इस तरीके से मैं आगे हुआ बेंड, धीरे से नीचे जाना है। अगर आप कंफर्टेबल है तो फोरहेड नीचे रखना है, और हमारे एल्बोज जो रहेंगे हमारे एल्बोज ढीले छोड़ देने हैं, आराम से शिथिल कर देने हैं। अब धीरे से वापस आना है एंड आराम करना है। ये जो आसन है इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह है, उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है हमारी,
उसकी इनलार्जमेंट जो होती है उसमें ये लाभदायक है, आपके हार्मोन बैलेंस करता है और वीर्य की वृद्धि करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमने आसन देखे हैं और इसी के बाद हम कुछ प्राणायाम जो है आप प्राणायाम भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए ये कुछ आसनास है और जो प्राणायाम है आप कुछ प्राणायाम भी स्टार्ट कर लीजिए, जो कि हमने पहले से वीडियो बना के रखी है। आप कपालभाति कर सकते हैं, शीतली प्राणायाम कर सकते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो प्राणायाम से वो आप कर सकते हो, जो कि जिसकी वजह से आपकी हेल्थ, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और आपकी ये प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी। सबसे पहले आपको जो है स्ट्रेस लेना नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है, हर जो चीज़ हो रही है होने देनी है और इस हिसाब से हमें योग अभ्यास करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है और इसकी वजह से जो है आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। ठीक है फिर दोस्तों, आज तक यही रुकते हैं। जिन दोस्तों ने मुझे कहा था कि इस पे वीडियो बनाओ तो इस पे मैंने आज वीडियो बना दी है, तो नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे होना चाहिए आप ये भी बता दीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।